इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? नमस्कार दोस्तों, दोस्तों महात्मा बुद्ध के समय की बात है कि आदमी के मरने के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए, आत्मा के पाप को मुक्त कराने के लिए, स्वर्ग भेजने के लिए, सीधी सी बात है, बहुत सारे कर्म कांड किए जाते थे। मान्यता यह है कि एक मिट्टी के घड़े में बहुत सारे पत्थर रख दिए जाते थे और उसकी पाठ पूजा होती थी और उस मिट्टी के घड़े के ऊपर किसी भी धातु से चोट की जाती थी, अगर वो पत्थर बाहर निकल जाते थे तो ये माना जाता था आत्मा सारे पापों से मुक्त हो चुकी है और स्वर्ग की ओर चली गई है। क्योंकि घड़ा मिट्टी का होता था तो थोड़ा भी चोट करने पर वो टूट ही जाता था और पत्थर तो निकल नहीं थे, और ये सब करने पर वो जो पंडित होते हैं जो उस पर पाठ पूजा कराते हैं उसको उन पर काफी अच्छा धन मिल जाता था। एक युवक जिसके पिता की मृत्यु के बाद उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं महात्मा बुद्ध के पास जाऊं और हो सकता है कि वो एक और अच्छा और बेहतर तरीका मुझे बता सकें। तो ऐसा करने पर उसके पिताजी के सारे पाप खत्म हो जाएंगे और उसके पिताजी स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। तो दोस्तों वो महात्मा बुद्ध के पास गया और महात्मा बुद्ध के पास जाकर बोले कि हे महात्मा, कि उसके पिता का निधन हो गया है और वो चाहते हैं कि आप उसको कोई ऐसी प्रक्रिया बताइए जिसको करने पर वो अपने पिता के सारे पाप को मुक्त करा सके और उनकी आत्मा को स्वर्ग की ओर प्रस्थान करा सके। चलो ठीक है, एक काम करो, तुम जिन पंडितों से तुमने पहले कर्म कांड करवाया है, वही जो पत्थर को ठोकने वाला, तुम उनसे वही दो घड़े लेके आओ। एक घड़े में वो पत्थर रखो और एक घड़े में तुम घी रखो और दोनों को नदी के ऊपर बहते हुए पानी पर इतना दबाओ कि ऊपर की सतह दिखे और उसके ऊपर फिर पत्थरों से चोट करो और फिर मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा। तो वो बहुत खुश हो गया, उसने सोचा कि महात्मा बुद्ध ने मुझे ये सब बताया, अब तो मेरे पिताजी को मोक्ष मिल ही जाएगा। और बिल्कुल जैसा उन्होंने बताया वैसा उसने किया और उसके करने के बाद वो महात्मा बुद्ध के पास गया कि हे महात्मा, जैसा आपने बताया बिल्कुल मैंने वैसा किया। मैंने ये देखा कि जब मैंने घड़े को पानी के सतह के ऊपर लिया और जब उसको किसी धातु के साथ उसको चोट की तो पत्थर तो पानी के नीचे चले गए और नीचे जाके सतह पर जम गए और जो घी था वो पानी के बहाव के साथ बह गया। तो दोस्तों ये बात सुनने पर महात्मा बुद्ध ने बोला, अब एक काम करो कि जिन पंडितों से तुम वो पूजा करवाते हो उन पंडितों से इस तरह की पूजा करवाओ कि वो पत्थर जमीन की सतह से उठकर पानी में तैरने लगे और वो जो घी है पानी में रहने की वजह वो जमीन की सतह पर चले जाए। तो ये सुन के तो वो लड़का बड़ा आश्चर्य हो गया, उसने उस बात को समझ नहीं पाया। उसने बोला, महात्मा जी ये संभव कैसे है? किसी भी पाठ पूजा करने से क्या कोई पत्थर पानी पर टहलने लगता है क्या? जो घी होता है वो पानी की सतह पर बैठ जाएगा, ऐसा तो संभव भी नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा, बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारे पिताजी के साथ भी हुआ है, अगर उन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होंगे तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी ही होगी, और अगर उन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए, बुरे कर्म किए हैं, तो उनको नर्क मिलेगा। तुम कितने भी कर्म कांड या तुम कितने भी उनके लिए पूजा करा दो, तुम उनके पापों को मोक्ष नहीं करा सकते। तो दोस्तों ये बात सुनकर युवक को समझ आ गया और उसने जीवन में मरने तक अच्छे कर्म किए ताकि मरने के बाद उसको सीधे स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो दोस्तों इसी तरह जुड़े रहिए, बने रहे चैनल के साथ, अपना प्यार बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, आप लोग रोज वीडियो देखते हैं और इसी तरीके से इस वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी पहली बार देख रहा है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।